चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो चुनाव होगा मुद्दों पे होगा, अब के हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होगा। सड़कें मिले, एक अच्छा बरातघर मिले, एक अच्छा को शौचालय मिले जनता को, जैसा कि स्टेडियम होगा स्टेडियम मिले। काम हुआ नहीं भी हुआ, कुछ इलाके हैं जिसमें नहीं हुआ, बाकी इधर है कस्बे में काम हुआ, ऐसी बात नहीं। सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली का एक कस्बा कांदला है। मैं आपको बता दूं कि यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल दोबारा बज चुका है, जहां पर कुछ विवाद चल रहा था सीटों को लेकर, आरक्षित अनारक्षित सीटों को लेकर। अभी वो विवाद सुलझता नज़र आ रहा है। अभी यूपी में राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी आरक्षित सूची जारी की है और इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या नगर निकाय चुनाव जो है उसमें लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से अपने उम्मीदवारों को देख रहे हैं। हम कांदला में हैं, कांदला में हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो नगर निकाय चुनाव जो आ रहा है उसमें क्या लोगों को लग रहा है, क्या जनता के मुद्दे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। क्या नाम आपका? क्या नाम जी? मेरा नाम मोहम्मद साजिद अंसारी। जी आप ये बताइए कि अभी नगर निकाय चुनाव का अभी तारीख तो नहीं आई है, लेकिन कुछ शोर हो रहा है कांदले में कुछ? हाँ जी, देखो हाजी जाहिद अंसारी हैं, उनकी 7,000 वोट खुद समाज के हैं, कुछ हिंदू समाज भी साथ में हैं, कुछ और समाज के ही साथ में हैं, उनको 14-15,000 वोट की उम्मीद कर रहे हैं। और देखो दौड़ में तो वही आगे, आज के दिन आगे कल को अल्लाह को बता। क्या नाम जी आपका? क्या नाम? मेरा नाम महरदीन। जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव होगा या अलग मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? नहीं, जनता के मुद्दों ही को लेके चुनाव होंगे, या इसका सदन में काम हुआ, सारे पुराणों ने काम भी करा, ऐसी कोई बात नहीं, काम नहीं हुआ, काम बहुत हुए, लेकिन चाहिए जनता के अगले आने वाले टाइम में भाई दूसरों को मौका दिया जाए, दूसरों को हो सकता है इससे ज़्यादा कि उम्मीद रखे आदमी, हर आदमी की बात है कि मैं 1 रुपया कमाना, मैं आने वाले टाइम में चाहूँगी मैं 10 कमाऊँ। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूँ कि कांदला में जो पूर्व चेयरमैन है वो चौधरी हाजिद वाजिद हसन उर्फ बबला, और भाजपा से नरेश सैनी जी यहाँ पर रेस में है चुनाव को लेकर। बहुत सारे उम्मीदवार कांदला में है जो इस बार चेयरमैनी पद के उम्मीदवार अपने आप को मान रहे हैं। हम यही लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या इस बार जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव होगा या नहीं। मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है कि ऐसे जो सुविधाएं होती है शहर की, एक एक नगर पालिका की, क्या ऐसी तरह की सुविधाएं कांदले में अभी है या अभी भी कुछ ऐसे काम बाकी नहीं? कोई सुविधा इतनी लंबी तो नहीं हुई जैसा कि स्टेडियम हुआ या कोई इस तरह की स्कूल की, कोई इतनी बड़ी सुविधा नहीं है। अच्छा बरातघर जैसे और शहरों में देखने के लिए आता है, बरातघर की भी कोई सुविधा नहीं है गरीब जनता के लिए। तो गरीब जनता तो चाहती है कोई ऐसा चेयरमैन आवे जनता के बीच में चुनेंगे जिससे कि लोगों की भलाई हो, लोगों के लिए अच्छा एक सड़कें मिले, एक अच्छा बरातघर मिले, एक अच्छा को शौचालय मिले जनता को, जैसा कि स्टेडियम होगा स्टेडियम मिले, कस्बे की जो होना हिंदू मुसलमान मिलके इसको हाँ एक इतिहास बनावे कि अल्लाह हाँ भाई फलाना एक चेयरमैन ऐसा है कि इसने इतने अच्छे कस्बे कामयाबी कराई है, इतने अच्छे काम कराए। तो ऐसे के ऐसी कोई जनता चाह रही कोई हमारे बीच में ऐसा ही कोई चेयरमैन बन के आवे। क्या नाम भाई जी आपका? क्या नाम? मेरा नाम आसिफ गुजर का। आज जनता के कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए? देखो जी काम तो किसी का हो जा किसी का, अब ये मान के चलो आप 20-25 हज़ार वोटिंग है, अगर 20-22 हज़ार आदमी का काम हो जाए, 2,000 का ना हो तो वो तो नाम तो बदनाम हो ही जा। काम हुआ नहीं भी हुआ, कुछ इलाके हैं जिसमें नहीं हुआ, बाकी इधर है कस्बे में काम हुआ, ऐसी बात नहीं। तो अभी वक्त है, अभी कह नहीं सकते कुछ। और भी साथी है हमारे साथ। जी नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद है। मोहम्मद भाई क्या लग रहा है चुनाव है नगर पालिका में, क्या आप कैसे देख रहे हैं अभी? हम तो अंसारी बिरादरी से हैं और हमारे बिरादरी से कैंडिडेट है, हम पहले ही प्राथमिकता अपनी बिरादरी के कैंडिडेट को दें। रही दूसरी, कौन है कैंडिडेट? हाजी जाहिद अंसारी। और दूसरी चीज़ जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका जो सबसे ज़्यादा जो उनकी बदनामी करवा रखी है, जो नगर पालिका में पदाधिकारी हैं उनकी वजह से हो रही है, उन्होंने काम नहीं सुना जनता का। आगे आप किस तरह के बदलाव चाहते हैं? अगर वाजिद साहब भी आते हैं तो किस तरह के आप काम देख रहे हैं कि ये काम? वाजिद साहब 10 साल रहेंगे, बताओ हमारी तरफ क्या काम करा, एक बरात घर तक के नहीं बना। और जैसे बाकी मूलभूत सुविधाएँ होती है भाई, मूलभूत पानी है, बिजली है, पानी है, कभी भी नगर पालिका में कोई काम के लिए गए सुनते नहीं अधिकारी, क्योंकि वो कहते ही नहीं। वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कहते नहीं अधिकारियों को, डांटते नहीं। जी नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। नगर पालिका चुनाव है अभी,
पूरे यूपी में, आप कांधले को कैसे देख रहे हैं, किस उम्मीदवार को आप देख रहे हैं कि जनता के लिए काम किए हैं या अभी आगे करेंगे? क्या आप देख जो सामने नज़र आ रहा वो तो हज्जी जाहिद ही कर सके, क्योंकि जो है हमने हज्जी सलाम का दौर देखा, फिर जो है हमने भाई बबले का भी जो है भाई वाजिद हसन का भी 10 साल से देख रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह की सोच एक शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या शहर के विकास को लेकर कोई सोच ऐसी उभरी है या काम हुए हैं ऐसे कोई? न तो जो है इनकी सोच इस यहाँ तक है और न ही ये इस सोच के लोग हैं। इनका तो काम यह है राम राम जपना, पराया माल अपना, बस इसके अलावा इनकी कोई सोच ही नहीं है। इनका तो बस सीधा सीधा काम जो है वो यह है हमें लोग चेयरमैन कह दें और जो कुछ आ जाए कुछ मतलब बंदर बांट हो जाए, जनता को वोट के लिए लुभाने की कोशिश की जाती है। कांधले में जैसे एक प्रकरण हुआ भाई, वो चिकन बांटे गए या मुर्गियाँ बांटी गई, क्या ये चीज़ें जरूरी है या जनता के मुद्दों पर? देखिए इस तरह की भी बात होती है भाई, जो है चिकन भी बांटा गया, उसके अलावा जो है दावतें भी चलती हैं चलाई जाती हैं, लेकिन ये शहर बिल्कुल इसकी सोच से जो है थक चुका, इन लोगों के इन मामलों को देख देख कर थक चुका। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो यहाँ के जो है कुछ लोगों ने वोट जो है पिछली बार इनको क्या नाम भाई हमारे नरेश सैनी जी को भी दिया है, तो नरेश सैनी से भी ये उम्मीद की कि भाई बीजेपी सरकार है नीचे ऊपर भाई शायद ये विकास होगा, इन्होंने इनको भी वोट दिया है भाई। किस्मत है हार जीत वो तो ऊपर वाले के साथ है, वो तो ऊपर वाले का मामला है, जिसे जितावे किसे हरावे। इस बार बात जनता के मुद्दों की होगी, हाँ जनता मुद्दों पे लड़ेगी, आपका जो चुनाव होगा मुद्दों पे होगा, आपके हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिला शामली के कस्बा कांधला में थे जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ के लोगों से बात की और जो यूपी में नगर निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं उसको लेकर हमने बातचीत की है। लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव जो है वो लोग जनता के मुद्दों पर होगा, ना कि हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस बार चुनाव जनता के मुद्दों पर होने वाला है। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। सही है इंट्रो, इसमें अलग अच्छा।